तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 500 एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश जीके पर आधारित है, जो आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्जाम्स में आपकी सहायता कर सकती है एवं आपके लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और मैं पहले लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है कि सोन नदी के दक्षिण में स्थित पठार कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बघेलखंड पठार। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है एवं यह 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे स्वर्णा, सोनभद्र और सोरना के नाम से भी जाना जाता है एवं इस पर बांध सागर बांध स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इसका समापन पटना के समीप गंगा नदी में हो जाता है। और गंगा और सोन नदी के संगम पर ही उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो हमारा डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असीरगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, ए दुर्गम पहाड़ी, बी सिगार पहाड़ी, सी जानापाप पहाड़ी एंड डी धनजारी पहाड़ी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है असीरगढ़ का किला। एवं असीरगढ़ के किले से कुछ फैक्ट हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि असीरगढ़ किला सबसे पहले तो ये किला बुरहानपुर में स्थित है। ये किला बुरहानपुर में स्थित है एवं अकबर ने अपनी अंतिम विजय असीरगढ़ किले पर ही प्राप्त की थी। ये 1601 में प्राप्त की थी। ए उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी एंड इसका सही उत्तर है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक स्तर है, सबसे दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है एवं पहला क्षेत्र मालवा पठार है। दूसरा क्षेत्र मालवा पठार है, जो कि मध्य प्रदेश का 28.72% भाग पर स्थित है। और यदि हम बात करें नर्मदा सोन घाटी के, तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के 27.92% क्षेत्रफल पर स्थित है। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक पठार के उत्तर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, जोहिला नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नर्मदा नदी। और यदि हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है एवं ये इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है एवं ये तीन राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना समापन करती है एवं ये एस्चुरी का भी निर्माण करती है। तो सी उत्तर हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने भाग पर विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, इसी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये मध्य प्रदेश के 11% भाग पर
स्थित है। और यदि हम बात करें सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और हम यदि इस अन्य चोटी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी, जहाँ से नर्मदा सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है, इसकी ऊंचाई 1124 मीटर है। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एवं इसी के साथ बढ़ते हैं हम मांगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई है ऑप्शन सी, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। नर्मदा सोन घाटी की ऊंचाई 300 मीटर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किस पठार पर वर्षा की मात्रा सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य भारत पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन डी मालवा पठार। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य भारत पठार इसका सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें मध्य भारत पठार के बारे में, तो मध्य भारत पठार विंध्यन शैल समूह का भाग है एवं चंबल घाटी इसी में स्थित है। और हम इसकी नदियों की बात करें, तो यहाँ से चंबल, पार्वती, कुनू, सिंध एवं कुंवारी नदी प्रवाहित होती हैं। तो ए उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश किस प्रकार का राज्य है? तो आपके पास फिर चार ऑप्शन है। क्या मध्य प्रदेश समुद्री सीमा से घिरा है, या ये भू आवेष्टित राज्य है, या अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य है, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें, ये मध्य प्रदेश पांच राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, वो पांच राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ से ये अपनी सीमा साझा करता है। तो बी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा नदी के मध्य स्थित पठार मध्य कौन स्थित है, क्या स्थित है मध्य, यानी नर्मदा और असीरगढ़ पहाड़ी के मध्य में? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, निमाड़ का मैदान, बी जालौन का मैदान, सी डबरा का मैदान एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और प्राचीन काल में निमाड़ के मैदान को अनूप क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था या बोला जाता था। ये बेहद उपजाऊ मैदान है, ये बेहद उपजाऊ मैदान है। तो फ्रेंड, इसका ए उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर उप लिखना भूल गए हैं, कितने उपभागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 भागों में, ऑप्शन बी 6 भागों में, ऑप्शन सी 8 भागों में एवं ऑप्शन डी 9 भागों में। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें तो वो 5 भाग हैं, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। बघेलखंड 5 भागों में बांटा गया है। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से पठार की मुख्य उपज तेंदुपत्ता है? तो आपके पास फिर चार ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुंदेलखंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें तेंदुपत्ता के बारे में, तो तेंदुपत्ता बीड़ी निर्माण में उपयोगी सिद्ध है, उपयोग होता है। और एमपी में इसके 260 कारखाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जबलपुर इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। कौन सा पठार गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही सही उत्तर है ऑप्शन डी मालवा पठार, गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें मालवा पठार के बारे में, तो मालवा पठार दक्कन ट्रिप का भाग है और यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है तो ये काली मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र है। और हम यदि बात करें यहाँ से चंबल, पार्वती, बेतवा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं सिगार, जानापाव एवं धजारी चोटियाँ। तो फ्रेंड्स डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी पठार है बघेलखंड पठार में लगभग वर्षा की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा लगभग वर्षा मानी जाती है बघेलखंड पठार में। तो फ्रेंड्स सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसके सही उत्तर हैं मालवा पठार। और मालवा पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। मालवा पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मालवा पठार। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में बांटती है? तो फ्रेंड्स इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन वी मालवा पठार, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कर्क रेखा मालवा पठार को दो भागों में बांटती है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। निम्न में से कौन से पठार में सहरिया जनजाति का निवास है? तो फ्रेंड आपके पास चार ऑप्शन हैं, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार या रीवा पन्ना पठार। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य भारत पठार। मध्य भारत पठार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें सहरिया जनजाति के बारे में, सहरिया जनजाति के बारे में बात करें, तो ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है मध्य भारत पठार, हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपके पास फिर चार ऑप्शन है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पर्वत चोटियों के बारे में किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिखर चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 881 मीटर ऊंची है और ये इंदौर में स्थित है। ये इंदौर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स।
इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आपके पास फिर चार ऑप्शंस है, और आपके पास ऑप्शंस है मिकानी श्रेणी ऑप्शन ए, वेल चोटी ऑप्शन बी, गुडविल चोटी ऑप्शन सी, एवं कास्केड चोटी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुडविल चोटी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एवं गुडविल चोटी को ही सद्भावना शिखर एवं कालूमार चोटी भी कहा जाता है। ये दमोह जिले के संग्रामपुर में स्थित है, एवं इसकी औसत इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो सी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। एवं इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड ये प्रश्न हमने अभी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आ गया है, तो हम फ्रेंड इसका आपको सही उत्तर बताते हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, और ये सिगार चोटी इंदौर में स्थित है, सिगार चोटी इंदौर में स्थित है, तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एवं अंतिम प्रश्न की ओर। और हमारा अंतिम प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 10% भाग मध्य प्रदेश का देश के क्षेत्रफल पर ढका हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सेशन में इतना ही। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, एवं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।